हाँ तो बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि कल आर्यनगर की टीम सूर्यनगर की टीम के साथ फुटबॉल मैच खेलेगी। पिछले 2 साल से सूर्यनगर की टीम ही लगातार जीतती आ रही है। डोंट वरी सर, इस बार आर्यनगर की टीम ही जीतेगी। हाँ गोपी, पर हमारे टीम में अभी भी तालमेल की काफी कमी है, तो क्या मैं कल तुम सबसे अच्छे टीम वर्क की उम्मीद रख सकता हूँ? Yes, मोबी, बॉल पकड़ो। बहुत अच्छी मोबी। चार्ली, हमारी बॉल वापस करो। ये लो सर। सोनू, एक सिंपल सा कैच नहीं पकड़ सकते? अब जाओ और जाकर उनसे बॉल लेकर आओ। जूनी, पकड़ो। गोलू बाबा के लिए चॉकलेट और मेरे फेवरेट डॉगी मोबी के लिए। ये लो तुम्हारा फेवरेट, एक स्कूप वनीला, एक स्कूप स्ट्रॉबेरी, एक स्कूप कोकोनट और एक ब्लू बेरी। और राजू बाबा के लिए चॉकलेट। मुझे जेल में कैद करना चाहता है, पर नादान ये नहीं जानता कि स्पाइस और जैसे टाइक्वांडो चैंपियन को कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे टाइक्वांडो चैंपियन को कोई पकड़ नहीं सकता। ये क्या? स्पाइस और भाग गया? कमिश्नर खन्ना ने कहा था कि ये बहुत ही खतरनाक अपराधी है। और नो, स्पाइस और भाग गया। हमें उसे पकड़ना होगा। इससे पहले कि वो कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे, हमें उसे पकड़ना ही होगा। I'm going to go to the hospital.
साल के चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम के लिए मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्योंकि हमारे बच्चे भी तो हैं इतने खास, उनके लिए आर्य नगर कुछ भी कर सकता है। डैड, ये आप क्या बना रहे हो? बेटे राजू, ये एक श्रिंक गन है। अगर ये ठीक से चलने लगी तो हम पूरे देश में भारी सामान को छोटा बना के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं और फिर उसे बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, पर ये कैसे हो सकता है? तुम ये स्विच देख रहे हो? इससे हम कोई भी भारी सामान को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और ये इस गन की पावर स्विच, ये देखो। शाम तक पूरी बिल्डिंग की लाइटिंग नहीं की तो गया ये कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से। ये बिल्डिंग कहीं खत्म भी होती है या नहीं? लाइटमैन, तुम्हें इस बिल्डिंग की लाइटिंग करनी है ना, तो खड़े क्यों हो? काम शुरू करो, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे, समझे? हाँ हाँ, समझ गया। छुपा रखा है बॉम्ब।
अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे मैं जो चाहूँ चुरा सकता हूँ और किसी के हाथ भी नहीं लगूंगा। अब देखता हूँ कमिश्नर खन्ना मुझे कैसे पकड़ता है। अरे ये क्या, कोई मेरा स्पेस बॉट चुरा ले गया। ज्ञानी स्पेस बॉट के अंदर छुपकर वही रोबोट को ऑपरेट कर रहा है। स्पाइसोर, स्पेस बॉट से बाहर निकलो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कभी नहीं। उसके रास्ते से हट जाओ। नजर इस पर है कि इस पेनल्टी शूटआउट का क्या नतीजा होगा, तो देखते हैं। सूर्या स्टार्स ने एक गोल जीत लिया। अब बारी है आर्या टाइगर्स की। कोई कमाल नहीं कर दिखाया हमने। और ये बहुत अच्छा सेव, आर्या टाइगर्स की टीम झूम उठी। कर दिखाया है माइटी राजू, शाबाश। सिर्फ मैंने नहीं सर, हमने कर दिखाया। राजू ने इतनी ऊंची छलांग लगा दी। लगता है पैर में मोच आ गई। मैंने कुछ ज्यादा ही ऊंची छलांग लगा दी। एजेंट आर, हमें मिशन के लिए जाना होगा। हाँ एजेंट जी, ये बहुत ही खतरनाक मिशन है। जब से तुम दोनों के पास ये रोबोट्स आए हैं, तुम दोनों तो कुछ और खेलते ही नहीं हो। स्पाइसोर जेल से भाग गया है और उसने स्पेस बॉट को भी चुरा लिया है। पूरे शहर में आतंक मचा रखा है उसने। माइटी राजू के होते हुए वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अभी आता हूँ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा। तो कौन है जो स्पाइसोर जैसे टाइकोंडो चैंपियन को रोकने की हिम्मत रखता है? माइटी राजू। लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझसे जीतना इतना आसान नहीं स्पाइसोर। मेरा माइट्रैक इस बड़े रोबोट पर काम नहीं कर रहा। शायद एक बड़ा मैग्नेट काम कर जाए। क्यों माइटी राजू, देखें फिर तुम इतने माइटी हो। कमिश्नर खन्ना, मैं स्पाइसोर को आर्य नगर के बाहर के खुले मैदान में ले जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ एक बहुत बड़ा मैग्नेट लेकर आए। ठीक है माइटी राजू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तुम उसे खोलकर उसकी वायर्स को काट दो। समझ गया। आखिर पकड़ ही लिया। अभी तक नहीं स्पाइज़ोन। स्पेसबॉट की बैटरी खत्म हो गई है। इस बार तुम बच के नहीं जा सकते स्पाइज़ोन। मेरी नजरें तुम पर हमेशा रहेंगी। थैंक यू माइटी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। राजू देखो मेरे पास एक नया रोबोट है, तुम इस रोबोट को बिल्कुल नहीं हरा पाओगे। अब तो मैं किसी भी रोबोट को हरा सकता हूँ। Okay.